आज हम पढ़ेंगे एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, जो कि हमारा चैप्टर 3 में है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के कुछ एडवांस्ड फीचर्स। तो पहले हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे वर्ड, ओके। देन यहाँ पे हमारा वर्ड का एप्लीकेशन आ गया, इसको हम ओपन कर देंगे। ओके, हो गया। तो इसमें हमारा क्या क्या कंटेंट है वो देखेंगे। तो पहले आपका यहाँ पे है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडर फुटर क्या है? हेडर फुटर मीन्स हेडर और फुटर इज द इंफॉर्मेशन दैट अपीयर्स एट द टॉप और बॉटम्स ऑफ द प्रिंटेड पेज रेस्पेक्टिवली। हेडर में आपका और फुटर में आपका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो कि पेजेस के बारे में या डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रिंट होता है, मतलब वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो प्रिंटेड पेज में आता है, ओके? तो इसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन रख पाएंगे, जैसे कि आपका पेज नंबर और चैप्टर का नेम, बुक का नेम, ऑथर का नेम, या फिर कोई लोगो, छोटा छोटा इमेज, वो सब आप हेडर एंड फुटर में रख पाएंगे। तो अभी हम देखेंगे हेडर एंड फुटर को कैसे हम ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे ऐड करेंगे। तो पहले आपको हेडर फुटर ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके यहाँ पे हेडर एंड फुटर ग्रुप है। हेडर फुटर ग्रुप में हेडर एंड फुटर दो चीज़ें, ओके। अगर हेडर चाहेंगे तो हेडर ऐड करेंगे, फुटर चाहेंगे तो फुटर ऐड करेंगे। तो हेडर में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा हेडर के बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देगा, ओके। बहुत सारे प्रीडिफाइंड हेडर फुटर यहाँ पे दिख रहा है, हम ये प्रीडिफाइंड हेडर्स यूज कर पाएंगे, ओके। या फिर यहाँ पे एडिट हेडर है, इसमें हम क्लिक करके हम अपने हिसाब से हम हेडर बना पाएंगे, ओके। तो इसमें मैं कोई भी एक प्रीडिफाइंड स्टाइल में जो होगा उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरा हो जाएगा। मैं ये ब्लैंक थर्ड कॉलम वाला हेडर में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया ये वाला टाइप टेक्स्ट, थ्री कॉलम वाला आ गया। इस पे आप जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे। तो जब हम हेडर में आ जाएंगे, हेडर में आने के बाद देखो यहाँ पे मेरा एक डिज़ाइन टैब ऑटोमेटिकली आ गया है। डिज़ाइन टैब का जो रिबन है वो रिबन में हेडर में हम क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे उसके रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यह हमारा पेज नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे हम पेज नंबर इंसर्ट कर पाएंगे। नॉर्मली पेज नंबर तो हमारा फुटर में ही आता है, जैसे पेज का नीचे आता है, तो इसमें हम पेज नंबर इंसर्ट नहीं करेंगे। हम डेट टाइम चाहेंगे तो इंसर्ट कर पाएंगे अगर हमको ज़रूरत होगा, ओके। देन क्विक पार्ट, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है जो हम ऐड कर पाएंगे। देन पिक्चर, सपोज हमको हेडर में छोटा सा पिक्चर इनपुट करना है, तो पिक्चर कैसे ऐड करेंगे देखेंगे। पिक्चर में क्लिक करेंगे, देखेंगे कहाँ पे पिक्चर होगा। डेस्कटॉप में आएंगे, डेस्कटॉप में अगर कुछ पिक्चर होगा तो हम उसको ऐड करेंगे। देखो डेस्कटॉप में बहुत सारे पिक्चर है, यहाँ पे मेरा एक लोगो है, ये लोगो को मैं ऐड करूँगा, ओके। इंसर्ट, देखो ये लोगो ऐड हो गया। अभी ये बहुत बड़ा हो रहा है तो हेडर का साइज भी बहुत बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर देंगे हम, छोटा करेंगे तो अच्छा लगेगा, ओके, हो गया। अभी आप यहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहते, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको आप डिलीट कर देंगे, ओके। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको ज़रूरत नहीं है। अभी इसको आप थोड़ा पोजिशन चेंज करेंगे, ये लेफ्ट में जा रहे क्योंकि यहाँ पे मार्जिन है, मार्जिन को आप हटाएंगे तो उसका भी वो लेफ्ट में मूव करेगा। तो देखो मैं मार्जिन को थोड़ा लेफ्ट में लेता हूँ, देखो ये भी आ गया। देन अभी यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और अभी
MS को कैपिटल में लिखेंगे, MS वर्ड, वो लेफ्ट में चला गया, उसको मिडिल में लाएंगे, ओके MS वर्ड मैंने लिखा। यहाँ पे आप और कुछ लिखेंगे, यहाँ पे मैं सपोज लिखूंगा चैप्टर 3, ओके हो गया। अभी हमारा हेडर का काम देखेंगे और क्या करेंगे, डिजाइन में आएंगे तो गो टू फुटर, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली फुटर में भी जा सकते हैं। देखो अभी मेरा फुटर ब्लैंक है, यहाँ पे मैं कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे हम पेज नंबर देंगे, पेज नंबर नॉर्मली आता है नीचे, तो यहाँ पे पेज नंबर ऑप्शन है, पेज नंबर ऑप्शन में क्लिक करके देखो पेज नंबर का बहुत सारे, यहाँ पे कौन सा पोजिशन में पेज नंबर देंगे, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, नॉर्मल पेज नंबर बॉटम में देते हैं तो यहाँ से आप पेज नंबर सिलेक्ट कर पाएंगे, ओके बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम का किस कहाँ पे देंगे, मिडिल में देंगे या लेफ्ट कॉर्नर में देंगे पेज नंबर या राइट कॉलम राइट साइड में, मैं मिडिल में दूंगा तो मिडिल में मैं क्लिक किया, देखो अभी मेरा मिडिल में आ रहा है पेज नंबर, अभी ये पेज नंबर 1 है तो 1 आ रहा है, ओके प्रीवियस सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन ऊपर नीचे जाने के लिए इसको हम यूज करेंगे। अभी हम हेडर में चले जाएंगे फिर से, ओके हो गया। अभी इसमें एक चीज देखो, ये देखो यहाँ पे पोजीशन दिया गया, आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर का स्पेस इंक्रीज डिक्रीज कर पाएंगे, देखो मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ, हेडर का स्पेस डिक्रीज हो रहा है, उसी तरह हम फुटर का भी डिक्रीज या इंक्रीज कर पाएंगे, ओके। तो अभी मेरा हेडर का सेटिंग फुटर का सेटिंग कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे, ओके ये सारे ऑप्शन हेडर एंड फुटर के लिए सेम है, ओके देखो अभी मेरा ये हेडर में है इतने सारे चीज, हम क्या करेंगे एंटर दे देकर देखेंगे नीचे जाएंगे, देखो ये पेज नंबर 1 आ गया, यहाँ पे पेज नंबर 1, अभी हमने ये सेकंड पेज में आ गए, देखो सेकंड पेज के नीचे जाएंगे तो जो पेज नंबर वाला पोर्शन है वहाँ पे 2 दिखाई देगा। अभी सेकंड पेज में देखो यही एमएस वर्ड ही आ रहा है, चैप्टर 3 में आ रहा है, जितना पेज हम क्रिएट करेंगे सभी पेज में हेडर का वही इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, फुटर का ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्योंकि फुटर में पेज नंबर है, पेज नंबर सभी पेज में अलग अलग होता है। देखो अभी हमने सेकंड पेज कंप्लीट कर दिए तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, हमने अभी थर्ड पेज में आ गए, थर्ड पेज में ये कंटेंट दिख रहा है, देखो थर्ड पेज कंप्लीट हो गया, अभी थर्ड पेज के एंड में 3 दिख रहा है। अभी नेक्स्ट पेज ये फोर्थ पेज कंप्लीट हो गया, 4 दिख रहा है पेज नंबर, देन ये जो इन्फॉर्मेशन चैप्टर 3 एंड एमएस वर्ड ये हमने मैन्युअली टाइप किए हैं तो इसका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सभी पेजेस में ये दिखाई देगा। जब हम 4 पेज या 5 पेज को प्रिंट करेंगे तो ये जो सारे कंटेंट हेडर एंड फुटर में हम दिए हैं वो सभी कंटेंट पेज में प्रिंट होकर आएगा, ओके तो इसी तरह हम हेडर एंड फुटर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फिर से इसका मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कुछ भी मॉडिफिकेशन, ओके तो आप फिर से हेडर एंड फुटर में जाकर इसका मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो कैसे जाएंगे, सेम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपका हेडर एंड फुटर है, हेडर में क्लिक कर सकते हैं, फुटर में भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके एडिट हेडर एंड फुटर ऑप्शन होगा, एडिट में जाकर आप इसका देखो अभी सिलेक्शन हो गया, इसको जो भी मॉडिफिकेशन करना है करेंगे, हेडर में फिर गो टू हेडर में जाएंगे, इसमें भी जो मॉडिफिकेशन करना है वो करेंगे, देन क्लोज कर देंगे। अगर आपने एक बार हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर दिया है पर आपको वो हेडर फुटर बिल्कुल नहीं चाहिए अभी, तो उसको आप रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे देखो, हेडर या फुटर में आप क्लिक करेंगे, करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है रिमूव हेडर, ओके रिमूव हेडर, देखो हेडर हट गया। अभी हम जितना पेज में जाएंगे तो कोई भी पेज में हेडर दिखाई नहीं देगा, देखो ये पेज है सेकेंड पेज में हेडर नहीं दिख रहा है पर फुटर दिख रहा है, क्योंकि हमने फुटर का रिमूव नहीं किया है, हेडर का ही रिमूव किया है, तो जितना पेज में हम जाएंगे ऊपर जो हेडर था वो दिखाई नहीं देगा, ओनली फुटर ही दिखाई देगा। अगर हम फुटर को भी रिमूव कर देंगे तो फुटर भी दिखाई नहीं देगा, फुटर को इसी तरह रिमूव करेंगे, फुटर में आएंगे, यहाँ पे हमारा रिमूव फुटर ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके हम इसका रिमूव कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा हेडर फुटर का काम। अभी हम पढ़ेंगे मेल मर्ज के बारे में, मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज मतलब, मेल मतलब क्या है मैसेज, ओके मर्ज मतलब कंबाइन करना, मिक्स करना, दैट मीन्स
अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक नोटिस है, कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन है जिसको आप मल्टीपल पर्सन को भेजना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए आप मेल मर्ज यूज करेंगे। दैट मीन्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज हमारा स्कूल में एक नोटिस है, वो नोटिस हम 40 स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं, तो हमारे पास एक नोटिस जो हमने टाइप किया है अभी, एक नोटिस है, वही नोटिस को हम क्या करेंगे, 40 बच्चे को सेंड करेंगे। तो 40 बच्चे को सेंड करने के लिए, 40 बच्चे के लिए नोटिस तो एक ही होगा, दैट इज कॉमन, और वो जिसको भेजा जाएगा बाई पोस्ट हम भेजेंगे, तो उनका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस अलग होगा, या उसका नेम, फोन नंबर, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, वो सारी चीज अलग होगा, ओके, या फिर कोई कंपनी में एक नोटिस बहुत सारे एम्प्लॉय को भेजा जाएगा, तो एम्प्लॉय का एड्रेस डिटेल्स अलग अलग होगा और नोटिस सेम होगा। तो ये जो दो अलग अलग चीज, एक नोटिस और दूसरा स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, तो जो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन वो अलग एक फाइल में होगा और नोटिस हमारा और एक फाइल में। नोटिस हमने वो एमएस वर्ड में टाइप किया है और वो जो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन या फिर एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन वो दूसरा फाइल में होगा, एमएस एक्सेल का फाइल हो सकता है, उस एमएस एक्सेल का फाइल में होगा, क्योंकि एमएस एक्सेल में डाटा हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, एमएस एक्सेल में होगा। तो ये जो वर्ड फाइल और वो जो एक्सेल फाइल को हम मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होगा, एक्सेल फाइल मतलब जो स्टूडेंट का फाइल होगा उसमें 40 स्टूडेंट का डाटा है, तो जो नोटिस हमने बनाया है वो नोटिस ऑटोमेटिकली 40 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका 40 कॉपी आ जाएगा, एंड एवरी पेज में अलग अलग स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उसके साथ नोटिस आ जाएगा, ओके, दैट मीन्स हमने मर्ज कर दिया है। तो जितना स्टूडेंट के साथ हमने मतलब वो मर्ज करेंगे, वो स्टूडेंट फाइल का जितना स्टूडेंट के साथ हम मर्ज करेंगे उतना पेजेस का नोटिस बन जाएगा, और जितना स्टूडेंट हमने लिए हैं उतना स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन एवरी नोटिस में आ जाएगा, ताकि हम उसको प्रिंट करके डिफरेंट स्टूडेंट को इजीली भेज सकते हैं, ओके। तो अभी हम देखेंगे मेल मर्ज कैसे होता है, अभी देखेंगे मेल मर्ज के बारे में। तो मेल मर्ज के लिए मैं बोला था आपको एक नोटिस चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन, और उसके साथ आपका एक स्टूडेंट डाटाबेस चाहिए जिसको आप मेल मर्ज करेंगे, जो दो डॉक्यूमेंट, ओके। तो अभी मेरे पास एक नोटिस ऑलरेडी तैयार है, तो देखो ये एक नोटिस है, ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ नोटिस लिखा है ऑलरेडी, ये नोटिस मेरे पास तैयार है, ओके, तो ये नोटिस को लेकर हम मेल मर्ज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, नीचे नोटिस का नीचे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे जो भी मर्ज फील्ड यहाँ पे ऐड करना है वो यहाँ से मैं ऐड करूँगा, ओके। तो देखेंगे अभी मेरे पास जो स्टूडेंट डाटाबेस है वो कौन सा है, आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे मेरा एक बुक वन, ये एमएस एक्सेल का फाइल है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डाटाबेस बना के रखा हूँ, यहाँ पे तो 40 स्टूडेंट का नहीं है, 5-6 स्टूडेंट का होगा, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको। देखो ये मेरा एक छोटा सा डाटाबेस है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दिया गया है, टोटल 4 स्टूडेंट का यहाँ पे दिया गया है। मैं एक छोटा सा डाटाबेस बनाया हूँ आपको समझाने के लिए, आप जितना हम ज़्यादा स्टूडेंट का ले सकते हैं, या फिर उसका जो भी इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, देन पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एनीथिंग, जो भी इंफॉर्मेशन, आप आधार नंबर, ओके, एनीथिंग आप उसमें ले सकते हैं, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लेंगे। पर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डाटाबेस बनाया हूँ, अभी ये जो फाइल है बुक वन, इसको मैं वो डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करके आपको दिखाऊंगा। अभी इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, इसका अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको ओपन करने भी जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया था, ओके। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में फिर से आ जाएंगे, देखो मैं कर्सर यहाँ पे प्लेस कर दिया था, नीचे हमेशा कर्सर प्लेस करेंगे डॉक्यूमेंट के नीचे जहाँ से आपको मर्ज प्रोसेस करना है, ओके। अभी हम स्टार्ट करेंगे मर्जिंग प्रोसेस। तो मर्जिंग करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, मेलिंग ऑप्शन है, मेलिंग टैब, ओके, मेलिंग टैब में क्लिक करेंगे। मेलिंग टैब में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे दिया है स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज कमांड में क्लिक करेंगे
स्टार्ट मेल मॉड्स कमांड में क्लिक करने के बाद आपका नीचे का ऑप्शन आएगा स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड, इसमें आप क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड में, स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, कौन सा डॉक्यूमेंट के ऊपर आप काम करते हैं। अभी ये जो हमारा डॉक्यूमेंट, ये नॉर्मल लेटर वाला डॉक्यूमेंट है, हमने एक लेटर लिखा है, मतलब एक नोटिस लिखा है, तो ये लेटर ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी चूज हो गया है, इसको हमको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। हम डायरेक्टली नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे देखो यूज द, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हाउ डू यू वॉन्ट टू सेटअप योर लेटर, आप लेटर को कैसे बनाना चाहते हैं। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट यूज करके हम करेंगे मेल मर्ज। स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट, टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट होगा जिसके साथ हम मेल मर्ज करना चाहते हैं, मतलब जो ऑलरेडी और कोई डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट में हमारा नोटिस लिखा गया है वो नोटिस को यूज करके हम करना चाहते हैं। पर हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास ऑलरेडी ये नोटिस है ये करेंट डॉक्यूमेंट में, तो यही डॉक्यूमेंट को यूज करके हम मेल मर्ज करेंगे, तो इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे लिखा गया यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, इसको भी कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट में आएंगे सिलेक्ट रिसिपिएंट, इसमें क्लिक करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, रिसिपिएंट को हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब किसको किसको हम मेलिंग करेंगे। ओके तो एग्जिस्टिंग लिस्ट, देन सिलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक टाइप नेम लिस्ट, तो हमें डेफिनेटली एग्जिस्टिंग लिस्ट ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एमएस एक्सेल का एक फाइल है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट का हमारे पास है, तो इसको भी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। देन यहाँ पे देखो एक ब्राउज ऑप्शन है, ब्राउज ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। ओके तो ब्राउज में क्लिक करने के बाद आपका देखो एक ब्राउज विंडो आ गया, तो मैं जो फाइल आपको दिखाया था एमएस एक्सेल का वो कहाँ पे था, डेस्कटॉप में था, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप वो फाइल हमारा था बुक वन। ओके आपको वो फाइल कहाँ पे है और उसका नाम पहले देख लेना चाहिए। ओके इसके लिए मैं आपको दिखाया, तो बुक वन था, देन ओपन, ओपन हो गया। अब बुक वन का कौन सा सीट में था, जो बुक वन हमने बनाए थे फाइल उसमें दो सीट था, सीट थ्री सीट फोर, सीट वन सीट टू को हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया था। ओके तो वो सारे कंटेंट हमारा सीट फोर में ही था, तो हम सीट फोर को सिलेक्ट कर देंगे। आपका कंटेंट जो सीट में होगा वही सीट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फाइल को तो हमने सिलेक्ट कर दिया, अभी सीट को सिलेक्ट करेंगे, तो सीट को मैं सिलेक्ट कर दिया, देन ओके। ओके देखो हमारा चार स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन था तो फोर फील्ड था, अभी सभी फील्ड मेरा सिलेक्ट हो गया है। ओके तो इसमें और कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, देन ओके हो गया। देन इसको नेक्स्ट करेंगे, और कुछ भी नहीं चाहिए, नेक्स्ट। देन यहाँ पे आ गया आपका मोर आइटम्स, मोर आइटम में आप क्लिक करेंगे। ओके मोर आइटम्स देखो, तो मोर आइटम में हमने जो डाटाबेस उधर बनाया था वो डाटाबेस के अंदर ये तीनों फील्ड था, नेम फील्ड नेम, एड्रेस फील्ड था एड्रेस, इंसर्ट करेंगे, मोबाइल नंबर था इंसर्ट, तीन फील्ड जो जो फील्ड वहाँ पे था और जो जो फील्ड हमको चाहिए वो फील्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास 10 या 20 फील्ड पहले से होता तो उसमें से हमको तीन या चार फील्ड चाहिए तो वही तीन चार फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, तो मेरे पास तो ऑलरेडी तीन ही फील्ड है तो तीन फील्ड को मैं यूज़ कर दिया। अगर मुझे कोई फील्ड यहाँ से नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, तो मोबाइल नंबर मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा। ओके वो आपका मर्जी, देन कैंसिल कर दो। अभी इसको हम ये जो इंसर्ट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारा इंसर्ट होगा, तो कैसे इंसर्ट होगा इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देंगे, एड्रेस को नीचे लाएंगे, मोबाइल नंबर को नीचे लाएंगे, तो ये जो तीनों चीज लिखा गया है इसके जगह पे इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे हमारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो इसमें इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगा, मतलब ये क्या है हमको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट इसमें मैं लिख दिया, देन ये क्या है एड्रेस, तो इससे पहले हम लिख देंगे एड्रेस। ओके ये क्या है, ये मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। ओके इसी तरह आप इस तीनों फील्ड को डिजाइन कर देंगे। ओके देन नेक्स्ट। ओके
आ गया। देन इसमें आपको क्या करना है, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट करना है। ओके एडिट करेंगे, ऑलरेडी हमारा सभी सिलेक्ट हो गए हैं, तो इसमें अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। ओके देन कंप्लीट। कंप्लीट के बाद आप क्या करेंगे, अगर एडिट इंडिविजुअल लेटर करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे। इसमें आपको कितना स्टूडेंट को ये नोटिस भेजना है, हमारे पास चार स्टूडेंट था तो चार को ही हमने भेजना है, और कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए तो ऑल सिलेक्ट करके कर देंगे। ओके या फिर आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से आप नंबर 5 से नंबर 20 स्टूडेंट तक आप इन्फॉर्म मतलब नोटिस भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वही भी लिख सकते हैं 5 to 20। ओके तो इसमें मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। देखो अभी मेरा नोटिस आ गया, ये नोटिस है, एवरी पेज में हम जाकर देखेंगे। नोटिस का नीचे देखो, अभी फर्स्ट स्टूडेंट का नाम था जगदीश साहू हेयरकट, देन फोन नंबर, तो ये हो गया हमारा। सेकेंड पेज में जाएंगे हम, सेकेंड स्टूडेंट के लिए नोटिस होगा, देखो वही नोटिस का कंटेंट सबके लिए सेम है। इसका देखो, इसका नाम एड्रेस मोबाइल नंबर अलग है। इसके लिए थर्ड के लिए नोटिस देखो, नोटिस सबके लिए सेम होता है। देखो इसका तन्नाम तन्मय महाराणा, आपका देन फोन नंबर, सभी के लिए अलग अलग। तो टोटल चार स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन था तो सभी के लिए अलग अलग नोटिस हो गया। अभी इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करके सबको हम भेज देंगे अलग अलग से। ओके तो ये हो गया हमारा मेल मॉच। अभी हम पढ़ेंगे एनवेलप के बारे में, आप एनवेलप कैसे बनाएंगे। एनवेलप मतलब जैसे कि आप कोई लेटर भेजते हैं तो लेटर का जो ऊपर का कवरिंग होता है वो एनवेलप होता है, या फिर लेटर का पीछे वाला हिस्सा पोस्ट कार्ड जो होता है वो एनवेलप होता है, उसमें क्या लिखा जाता है, टू एंड फ्रॉम एड्रेस लिखा जाता है। वही टू एंड फ्रॉम एड्रेस अगर आप कंप्यूटराइज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एमएस वर्ड का ये एनवेलप फीचर यूज़ कर पाएंगे। एनवेलप फीचर यूज़ करके आप टू एंड फ्रॉम का एड्रेस प्रिंट कर पाएंगे। अगर आपको जैसे हमने प्रीवियसली मेल मॉड किया था, मेल मॉड में हमने बहुत सारे नोटिस बनाए थे, 10-15 नोटिस बनाएंगे, वो सभी को हम एनवेलप करके भेजेंगे, एनवेलप के अंदर भेजेंगे, तो उसके लिए हमको 15 एनवेलप चाहिए, तो सभी में हम टू फ्रॉम एड्रेस लिखेंगे। ओके तो उसको हम कंप्यूटराइज्ड प्रिंट करेंगे तो वो लुक बहुत अच्छा आएगा। नॉर्मल हम मैनुअली पेन में लिखेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग होगा और वो प्रोफेशनल लुकिंग भी नहीं आएगा। हम एनवेलप यूज़ करके वो चीज़ बना सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे। आप पहले आएंगे मेलिंग टैब में। ओके मेलिंग टैब के अंदर यहाँ पे क्रिएट ग्रुप है, क्रिएट ग्रुप के अंदर एनवेलप कमांड है, तो एनवेलप कमांड में आप क्लिक करेंगे। देखो ये आपका आ गया एनवेलप डायलॉग बॉक्स, एनवेलप एंड लेबल डायलॉग बॉक्स इसको बोला जाता है। इसमें आप लिखेंगे डिलीवरी एड्रेस। ओके तो डिलीवरी एड्रेस किसको आपको डिलीवर करना है। ओके डिलीवरी एड्रेस लिखेंगे, डिलीवरी एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, सपोज मुझे देना है टू, तो पर्सन का नाम लिखेंगे, मनोज कुमार राठौर, इसको हम सेंड करेंगे कोई लेटर। ओके देन एड्रेस दे देंगे, कुछ पिन नंबर। ओके तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे, तो ये हो गया एड्रेस, यही एड्रेस हम दे देंगे। देन रिटर्न एड्रेस,
जैसे कि फ्रॉम वाला एड्रेस, अगर आपको फ्रॉम वाला एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे देंगे, ओके। फ्रॉम कहाँ से आप दे रहे हैं, ओके, यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम स्कूल से दे रहे हैं तो लिखेंगे प्रिंसिपल वे भी सर्कल, ओके। फ्रॉम में हमने लिख दिया इतना, तो ये हो गया हमारा एड्रेस डिटेल्स। देन आप ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, अगर आप यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस का पोजीशन मेंशन कर पाएंगे, ओके। देन ऐड टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में वो ऐड करेंगे, देखो डॉक्यूमेंट में आपका आ गया यहाँ पे फ्रॉम एड्रेस, यहाँ पे टू एड्रेस, तो ये हो गया हमारा एनवेलप। आप इसको प्रिंट कर पाएंगे, ओके। ये नॉर्मली लैंडस्केप में आता है, इसको आप प्रिंट करेंगे, फर्स्ट पेज में आ गया एनवेलप, इसको आप प्रिंट करके एनवेलप बना पाएंगे। वेरी सिंपल मेथड, ओके। प्रीवियसली हमने पढ़ा था एनवेलप के बारे में, अभी हम देखेंगे लेबल के बारे में। तो लेबल में हम क्या करेंगे, देखो सपोज आप लोगों के पास ऑलरेडी एनवेलप अवेलेबल है, वो एनवेलप के ऊपर आप ओनली टू एंड फ्रॉम का एड्रेस लिखना चाहते हैं, तो वो एड्रेस आप पेन में लिखेंगे। अगर आप इसको पेन में लिखना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो टू एंड फ्रॉम एड्रेस का एक लेबल बना देंगे, मतलब लेबल से स्टिकरिंग जैसा लेबल बना देंगे, उसको आप डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर देंगे, वो सारे एड्रेस को एट ए टाइम आप प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करके वो सारे चीज़ को आप कॉट करके आप अपने एनवेलप के ऊपर चिपका सकते हैं, ओके। तो उसमें आपको प्रोफेशनल लुक आएगा, ओके। तो देखेंगे हम एनवेलप कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम कोई भी एनवेलप में जो एनवेलप भेजेंगे उसमें हम टू एंड फ्रॉम एड्रेस लिखते हैं, तो फ्रॉम एड्रेस हमेशा हम ही भेजते हैं, मतलब हम ही लेटर भेजते हैं, तो फ्रॉम एड्रेस हमेशा कॉमन रहता है क्योंकि हम ही भेजते हैं, तो हमारा एड्रेस तो हमेशा कॉमन रहेगा। टू एड्रेस हमारा अलग अलग होता है क्योंकि हम कभी भी एक आदमी को लेटर भेजते नहीं है, कभी इसको भेजते हैं, कभी उसको भेजते हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसिपेंट है, बहुत सारे लोगों को हम लेटर भेजते हैं, तो टू हमारा हमेशा अलग अलग होता है, पर फ्रॉम हमारा एक ही होता है हमेशा। तो उसका हम लेबल बना देंगे। तो लेबल बनाना भी वेरी सिंपल है, आप मेलिंग में आएंगे, देखो यहाँ पे एनवेलप था क्रिएट ग्रुप में, अभी यहाँ पे लेबल भी है, तो लेबल में आप क्लिक करेंगे, लेबल के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप फ्रॉम, ओके, प्रिंसिपल सर्कल, ओके। आप यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे लेबल में, एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट सेक्शन में आएंगे, ये प्रिंट सेक्शन, इस पर आप लिखेंगे फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, मतलब यही जो लेबल पूरे पेज में आना चाहिए, तो इसको आप चूज कर देंगे, ओके। इसके बाद आप ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे चूज करेंगे, प्रोडक्ट नंबर में चूज करेंगे 30 पर पेजेस, आपको जितना चाहिए उतना आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मोस्टली 30 ही आता है मैक्सिमम, तो 30 भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, 30 पर पेजेस सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे, ओके, हो गया। देन न्यू डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, ओके। ये डॉक्यूमेंट अगर आप रखना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट रखेंगे, अगर न्यू डॉक्यूमेंट में आना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे। देखो अभी ये न्यू डॉक्यूमेंट में वो सारे एड्रेस यहाँ पे आ गया, अभी इसको आप प्रिंट करके जितना कॉपी इसका चाहिए उतना कॉपी इसका प्रिंट करके आप इसको अलग अलग बना के एनवेलप के ऊपर चिपका सकते हैं, ओके। तो ये बहुत सिंपल है। अभी हम देखेंगे ये तो सेम एड्रेस का हो गया, सेम एड्रेस का हमने बना दिया, अगर हम डिफरेंट एड्रेस का बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट एड्रेस का लेबल कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ये तो पर्टिकुलर एड्रेस का हो गया, तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट एड्रेस का।
तो डिफरेंट एड्रेस का करने के लिए उसके लिए आपको थोड़ा अलग सा स्टेप बनाना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो डिफरेंट एड्रेस का बनाने के लिए आपके पास पहले वो एड्रेस का लिस्ट होना चाहिए। जैसे हमने मेल मर्ज में वो बुक वन का फाइल यूज़ किया था, अभी वही फाइल हम इसमें यूज़ करेंगे। ओके, आप लोगों को वो फाइल के बारे में पता होगा, फिर से हम वो फाइल दिखा देता हूँ। ये देखो बुक वन है, डेस्कटॉप के ऊपर है। तो बुक वन में हमारा इतना इन्फॉर्मेशन है, चार स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, इसको हम यूज़ करेंगे डिफरेंट फील्ड के लिए। ओके, तो हम अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से मेलिंग टैब में जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऑलरेडी मेलिंग टैब है। इसके लिए लेबल करने के लिए आपको सिलेक्ट रिसिपिएंट में जाना पड़ेगा। इस पर आप सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट में दिखाया था वही एग्जिस्टिंग लिस्ट आप यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको फाइल पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो फाइल कहाँ पर है, ये बुक वन, इसको हमने सिलेक्ट करेंगे। सीट फोर में था वो चीज़, सीट फोर सिलेक्ट करेंगे, हो गया, लिस्ट हमने सिलेक्ट कर दिया। ओके, अभी आएंगे हम स्टार्ट मेलिंग मर्ज में आएंगे, इसमें आकर यहाँ पे लेबल है, ये लेबल में हम क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो पेजेस हम सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी तो 30 पेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, इसको हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, देन ओके कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, और ये ब्लैंक दिख रहा है, इसको हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। ओके, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में आएंगे, देखेंगे अभी सारे चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, इसको और कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर सिलेक्ट नहीं हुआ था तो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, देखो आ गया सभी, न्यू रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट रिकॉर्ड्स। तो इस पे आप क्या करेंगे, आपके पास देखो बहुत सारे आ रहे हैं, 30 पे आ रहा है, पर हमारे पास तो चार ही एड्रेस, तो चार एड्रेस के लिए ही हम बनाएंगे, 30 के लिए हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट आप इसका फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, देखो इंसर्ट मॉड्स फील्ड है, यहाँ पे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसको नीचे लाएंगे। ओके, अभी इसको कॉपी कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, सभी पे पेस्ट कर देंगे वही फॉर्मेट को। ओके, तो चार है हमारे पास, चार ही करेंगे और बाकी तो नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो वही चीज हमारा रिपीट हो जाएगी। ओके, देख हो गया इसका। तो जितना आपको, अगर आपके पास टोटल 30 या 100 स्टूडेंट का होगा तो आप उसको सिलेक्ट करके कर पाएंगे, और यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। फिर से आ रहा है देखो, यहाँ पे आपका प्रीव्यू रिजल्ट, प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रीव्यू करके दिखाएगा। देखो आ रहा है, हमने और भी दिया था, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ओनली चार स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन था, तो चार स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एड्रेस में आ रहा है। ओके,